सो स्टार्स नाइट सीजन 4 में पार्टिसिपेट करके एज एन अवॉर्डी आपको कैसा फील हो रहा है? स्टार नाइट सीजन 4 में पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है और आई एम रियली ऑनर्ड एंड हम्बल दैट सौरभ हरियाणवी एंड हाई होप्स दे चोज मी फॉर दिस अवार्ड. तो हमारे जो एफर्ट्स जो हम लोग देते हैं लोगों के लिए जो काम करते हैं उसके लिए जब हमें कोई अवार्ड मिलता है तो वही हमें आगे की मोटिवेशन देता है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे इस एफर्ट को पहचाना गया और हमें इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया. हाँ जी, तो मैम आप कुछ अपने बारे में बताइए हमें. आई एम डॉक्टर रजनीगर केसरी. आई एम अ टैरोट कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, अ होलिस्टिक हीलर एंड अ लाइफ कोच. I have acquired certifications in more than 40 plus healing modalities and also won awards in more than 25 plus categories all over the country. तो मेरे पास बहुत टाइप के लोग आ सकते हैं अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए, चाहे वो मेंटली अनफिट हो, चाहे उनको कोई फिजिकल इश्यूज हो या उनको कोई साइकिक इश्यूज हो, कोई भी टाइप के लोग मेरे पास आ सकते हैं. मैंने 500 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एंजल हीलिंग में, और मोर देन 10,000 पीपल को 15 इयर्स के अपने इस करियर में मैंने ट्रीट किया है. ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया से लोग मुझे अप्रोच करते हैं कोई भी टाइप के प्रॉब्लम के लिए, फिनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के लिए, हेल्थ इश्यूज़ के लिए, और कोई भी टाइप के प्रॉब्लम के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं. मुझे बहुत ही खुशी होगी आपको हेल्प करने. और इसके साथ ही साथ मैंने साइड बाय साइड प्लस साइज मॉडलिंग भी की है. मैं एमएस प्लस साइज इंडिया में मैंने ब्यूटी पेजेंट किया था, उसके बाद मैं विनर भी बनी हूँ. तो ये मैं साइड बाय साइड करती हूँ क्योंकि मैं प्लस साइज वुमेन के लिए एक मोटिवेशन बनना चाहती हूँ, एक रोल मॉडल बनना चाहती हूँ. और हमारे पास बहुत प्लस साइज वुमेन रहते हैं जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में है, बॉडी शेमिंग के अगेंस्ट में वो फाइट बैक कर रही है सोसाइटी से. तो उनको मोटिवेट करने के लिए मैं साइड बाई साइड ये प्लस साइज मॉडलिंग भी करती हूँ. वाओ मैम, सो आई एम रियली एक्साइटेड. मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे आपकी आईज में थोड़ी डिफ़िकल्टी है ना, लेकिन आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है ना, तो आप इसको किस तरह से मैनेज करती हैं और किस तरह से आप एक मिसाल है लोगों के लिए, इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, ये हम जानना चाहेंगे. पहले तो जब मेरे आईज़ में ये इशू हुआ और मैंने अपना एक आई लूज़ किया, तो फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि आपका जो बॉडी पार्ट होता है ना, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है इस दुनिया में. मतलब हर चीज़ का रिप्लेसमेंट हो सकता है. आपका रिलेशनशिप टूटता है तो आप दूसरे रिलेशनशिप में जा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका ये जो रिप्लेसमेंट है, एक बॉडी पार्ट जो भगवान ने आपको दे के भेजा है, हाँ बोलने को लोग बोलते हैं ये ट्रांसप्लांट वो ट्रांसप्लांट, पर आपको भी पता है कि वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है. तो जब मुझे ये हुआ तब मैंने सोच लिया कि अब मुझे लाइफ को जीना है फुल्ली, मुझे कॉन्फिडेंटली रहना है और मुझे लाइफ को एंजॉय करना है, और मैं अपनी इस वीकनेस को अपने लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं बनने दूंगी, मैं इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगी. तो ये मुझे स्ट्रेंथ देता गया क्योंकि मैंने उसको वीकनेस कभी समझा ही नहीं. तो ये आपके लाइफ में कुछ भी होना, लोग बोलते ना मेरे पास आते तो है सब, मैं इससे डिप्रेस्ड हो गया, उससे डिप्रेस्ड हुआ, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, तब मैं सोचती हूँ इससे बुरा क्या हो सकता है कि मेरे इतने, मतलब आप सोचिए मैं कितना ज़्यादा आगे जा सकती थी अगर विजन की प्रॉब्लम नहीं रहती. बट उसके साथ भी मैंने रैंप पे वॉक किया है, ब्यूटी पेजेंट जीता है, क्योंकि मैंने इसको एक वो नहीं बनाया, वीकनेस या एक्सक्यूज़ नहीं बनाया. तो अगर आपके लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है और आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है या आपको कैसे उससे फाइट बैक करना है, आपको जानना है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे आपकी हेल्प करके खुशी होगी. वाओ मैम, इट्स सो इंस्पायरिंग. सो हम अभी 21st सेंचुरी में हैं एज वी ऑल नो, एंड हम सब इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, है ना, और सबसे ज़्यादा आज की डेट में हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं. तो आप ऑलरेडी एक इंस्पिरेशन है, तो आप हमारी वुमेन्स को, सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगी? वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा वर्ड है ना जो सुनते सुनते मैं बोर हो गई हूँ, क्योंकि मेरे नज़रों में जो वुमेन होती है ना वो ऑलरेडी एम्पावर्ड ही है और सदियों से है. एक औरत एक पूरा घर चलाती है तो क्या उसके अंदर पावर नहीं है? तो एक वुमेन हमेशा से एम्पावर्ड ही थी, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है पता है? मेन को एम्पावर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके अंदर वो पावर नहीं है कि वो लोग एक एम्पावर्ड वुमेन को एक्सेप्ट कर सके सोसाइटी में. तो जब ही हमारी ना मेल्स के ऊपर से डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी ना वुमेन की, तभी सही मायनों में वुमेन एम्पावर्ड हो जाएगी.